हेलो स्टूडेंट्स, आज में हम चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थिंक टैंक के क्वेश्चन नंबर 17 से 20 डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है 17, क्वेश्चन है एस्प्रिन इज अ माइल्ड पेन किलर एंड फीवर रिड्यूसर। इट इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम सलिसिलिक एसिड। ठीक है, ये डायग्राम इसकी दी हुई है। एक बेंजीन रिंग है और दो फंक्शनल ग्रुप अटैच है। सिलेक्ट अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन इट एंड एन सर्कल देन जस्टिफाई योर रीजन। हमने इसको एन सर्कल करना है जो फंक्शनल ग्रुप है, तो दो फंक्शनल ग्रुप हमें नजर आ रहे हैं, एक सी डबल ओ एच है और एक ओ एच है। हमें पता है कि सी डबल ओ एच जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और ओ एच ग्रुप जो है वो अल्कोहलिक ग्रुप कहलाता है। इस तरह एस्प्रीन बेंजीन रिंग के साथ दो फंक्शनल ग्रुप अटैच है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन इज Cl H2n+2। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइल रेडिकल। आपको पता है जब भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए तो इट बिकम द अल्काइल रेडिकल। तो जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, जनरल फॉर्मूला फॉर अल्काइल रेडिकल इज Cl H2n+1। क्योंकि एक हाइड्रोजन हमें इसमें से कम करना होता है तो अल्केन विल बी कन्वर्टेड इंटू अल्काइल रेडिकल। अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 है, वाटर एड्स टू इथीन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। इथीन के अंदर हम वाटर डालते हैं और इथेनॉल बन जाता है। आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। रिएक्टेंट में भी हमें बताना है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और प्रोडक्ट में बताना है। इथीन का जो फॉर्मूला है CH2 CH2, दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड। तो रिएक्टेंट में जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है इट विल बी अल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और प्रोडक्ट में जो मिथाइल अल्कोहल बना है तो ओ एच ग्रुप यहाँ पर आ गया। ओ एच ग्रुप इज कंसिडर्ड अल्कोहलिक ग्रुप। तो प्रोडक्ट के अंदर इथेनॉल के अंदर या इथाइल अल्कोहल के अंदर क्या है, वो अल्कोहल। रिएक्टेंट में डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन एंड प्रोडक्ट के अंदर क्या है, ओ एच ग्रुप। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, बॉन्डिंग ऑफ कार्बन एटम टू हेट्रो एटम्स इंक्रीजेस द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जस्टिफाई। कार्बन एटम के साथ कोई भी दूसरा एटम अगर यहाँ पे अटैच है, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, सो ऑन। ठीक है, तो वो उसके अंदर जो है जो नया सब्सटेंस बन या कंपाउंड बन जाता है। तो हमें बताना है कि क्यों इतने ज्यादा कार्बन जो है वो हाइड्रोजनस एटम के साथ मिलकर कंपाउंड बनाता है। तो रीजन देखिए, रीजन क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन टर्म्ड हेट्रो एटम्स। ठीक है, इज बाउंडेड टू कार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन जो मिलते हैं इसको हेट्रो एटम कहते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग तरह के एटम है। ऑल हेट्रो एटम्स हैव अ ग्रेटर और लेसर अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन देन दिस कार्बन। और इन दोनों के दरमियान जो है, कार्बन और दूसरा कोई भी एलिमेंट है उसके दरमियान जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन की, वो कम या ज्यादा हो सकती है। थस ईच बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड हेट्रो एटम इज पोलर। इस वजह से कार्बन दूसरा किसी भी एटम के साथ जब वो मिलेगा तो वो पोलैरिटी डिवेलप करेगा, वो पोलर बन जाएगा। एंड द डिग्री ऑफ पोलैरिटी डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द टू। और इसकी वजह से आपको याद होगा जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जो आपने टॉपिक पढ़ा होगा उसके अंदर इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि पोलैरिटी डिवेलप हो जाती है दोनों के दरमियान। और पोलैरिटी के डिवेलप होती है उनके एटॉमिक साइज डिफरेंट होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंट होती है। चूंकि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी रखता है इस वजह से क्या होगा, सो दिस कैन बी फॉर्मेशन ऑफ मेनी वराइटी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक सब्स कंपाउंड। इसकी वजह से बहुत मुख्तलिफ तरह के फॉर्मेशन पॉसिबल है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। सो दिस इज हाउ बॉन्डिंग ऑफ इन कार्बन कैन मेक मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसी वजह से कार्बन की ये एबिलिटी कैटिनेशन की वजह से, जो ये एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से जो मुख्तलिफ एटम्स के साथ अटैच होते हैं और पोलैरिटी डिवेलप हो जाती है, कार्बन जो है या हाइड्रोकार्बन जो है वो मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड बनाने की सलाह करता है। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई फर्दर समझ नहीं आया, कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू।